ऐसा तो कई बार सुना होगा कि प्रेमी युगल ने एक दूसरे को खून से खत लिखे, पर ऐसा पहली बार देखने में आया है कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता का प्यार और दीवानगी राहुल गांधी के लिए इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने अपने खून से खत लिखकर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहने की मांग की है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो राहुल गांधी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है, जिसके चलते उसने अपने खून से खत लिखा है। दरअसल देवास से 58 किलोमीटर दूर हाट पिपलिया तहसील के अंतर्गत गांव बड़िया मान में कांग्रेस के राहुल गांधी युवा संगठन के जिला अध्यक्ष नीलेश जायसवाल ने अपने खून से खत लिखकर राहुल गांधी से मांग की है कि वह अपने पद से इस्तीफा न दे। संवाददाता रवि पाटीदार की रिपोर्ट। जो मैंने अभी पत्र लिखा है वो अपने खून से लिखा है। क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी अपने पद पे बने रहे, और जो क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे युवा नेता हैं कि जो गरीबों के बारे में सोच सकते हैं, किसानों के बारे में सोच सकते हैं, और जिसका सेना के बारे में सोच सकते हैं।